लोगों के साथ मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के साथ मैं खाता बुक की फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, तो इसलिए मैंने फुल डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने पब्लिश करने वाला हूँ। और इसका जो मैंने QR कोड मेरे पास आया था, मैं ऐसे ही उसको अभी तक सील उसका नहीं खुला है। देखो इसका सील पैक जैसा था वैसे ही है, मैंने यहीं तक सील तक उसको नहीं खोला, ठीक है। सील उसका क्रैक भी नहीं की मैंने, क्योंकि इसका जैसा ही था वैसा ही है, आप लोगों के सामने में खुला। मैं बहुत बार मन किया कि इसको खोल कर इसको आप लोगों के साथ दिया, मैं खुद देख लूँ, आप लोगों के सामने ऐसे वीडियो डाल दूँ, ऐसा बहुत बार मन किया लेकिन नहीं हुआ। तो आप लोगों के सामने एक चीज़ दिखा दूँ, मैंने इसको किस लिए परचेज किया था। देखो जो मर्चेंट नेम है ना, मोबाइल सर्विस सेंटर, ठीक है, मोबाइल सर्विस सेंटर बोल कर मर्चेंट ID बना लिया है, मैंने बनाया था, ठीक है। इसको मैंने रिसीव कर लिया। कैसे इसको QR कोड ऑर्डर करना होगा, इस बारे में फुल डिटेल वीडियो मैंने बना करके, चलो आप लोगों के सामने मैं खुलता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ है तो नहीं, सोसाइटी में रखता हूँ। देखो ये पे सील है, ठीक है, सील को तोड़ना होगा। सील मैंने तोड़ दिया, सील तोड़ दिया, अब आ रहा है QR कोड। दो QR कोड भेजे उन्होंने, ठीक है, ऑफिशियली 2 QR कोड मेरे पास आया अभी। देखिए दोस्तों, मैंने जो QR कोड ऑर्डर किया था, ठीक है, 2 QR कोड मेरे को रिसीव दिया मिला, 2 QR कोड लोग देख पा रहे हैं, मैंने 2 QR कोड रिसीव किया था, 2 QR कोड, क्योंकि किस नाम पे मैंने ऑर्डर किया था कोड लो, मोबाइल सर्विस सेंटर, ठीक है, तो मैंने इस नाम पे रिसीव कर, इस नाम चेंज भी कर सकते हैं मोबाइल सर्विस सेंटर की, ठीक है, इसमें कोई झमेला उससे ऐसा कुछ होता नहीं है। ये QR कोड बहुत ही है इम्पोर्टेंट है, आपको ये QR कोड अपना शॉप पे लगा के रखना होगा, और इसमें और कुछ ज़्यादा है तो नहीं, बस 2 QR कोड था, ठीक, 2 QR कोड था, इसमें और कुछ है तो नहीं, इसमें इसको फेंक सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हमको एक दिक्कत होगा, इसको कहीं चिपक कर रखना होगा। अगर इसका ये आता कोई QR प्लास्टिक अगर कोई ऐसा कुछ आता तो बेस्ट होता दोस्तों। अगर इसका जैसे ऑर्डर करते हैं, इसको अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग, मैंने वीडियो बना के रखा है, शायद डिस्क्रिप्शन आपको मिल ही जाएगा कैसे इसको ऑर्डर करना चाहिए इस बारे में, ठीक है। तो आप लोग को डिटेल बस थोड़ा सा दे दिया कि QR कोड कैसे ऑर्डर करना चाहिए, QR कोड कैसे होता है खाता बुक की, तो आप लोग को इस वीडियो में डाल दिया। तो आई होप वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो दोस्त लाइक करना, दोस्त को शेयर कर लेना, और इसको जिससे पेमेंट करते फ़ोनपे वगैरह जो स्कैन करके पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ है तो नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों लाइक करना, और कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना। इस तरह से वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।